तीसरी के नीमाडी में निर्माणाधीन चेकडेम का प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष और जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष ने किया निरीक्षण, पाई भारी अनियमितता। नेताओं ने खोरी महुआ एसडीएम को फोन कर की शिकायत, डीसी को भी मामले से अवगत कराने की कही बात। तीसरी प्रखंड अंतर्गत खीजूरी पंचायत के नीमाडी गांव में बन रहे चेकडेम का गुरुवार को प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन और जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्णवाल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में भारी अनियमितता और गड़बड़ियां पाई गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि लोगों की लगातार शिकायत मिल रही थी कि चेकडेम निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है, जिसको देखते हुए आज निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि इस निर्माण कार्य में घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, पत्थर और बालू की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, साथ ही एस्टिमेट के अनुसार सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। गौरतलब हो कि जिस नदी में चेकडेम का निर्माण किया जा रहा है उसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम है, इसके बावजूद आधे किलोमीटर की दूरी पर 3 चेकडेम स्वीकृत किया गया है, जो विभागीय भ्रष्टाचार और लापरवाही को दर्शाता है। 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने तत्काल कार्य बंद करवाते हुए मौके से ही खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह को फोन कर इसकी शिकायत की, साथ ही इसकी शिकायत उपायुक्त से करने की बात कही। वहीं प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने कहा कि इस निर्माण कार्य में बहुत ही निम्न स्तर का काम किया जा रहा है, इस कार्य में पर्याप्त मात्रा में सीमेंट का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है, साथ ही योजना स्थल पर बोर्ड भी नहीं लगा है। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि विभाग और संवेदक की मिली भगत से वर्तमान की हेमंत सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, लिहाजा मामले की जाँच कर दोषियों पर निश्चित रूप से FIR होनी चाहिए। इधर इस मामले में संवेदक रवि यादव से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि बीते दिनों जेई द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया था, निर्माण कार्य में कोई भी गड़बड़ियां नहीं है। अभी हम लोग चेक डैम का निरीक्षण किए हैं, उसमें भारी गड़बड़ी है। बगैर सीमेंट का पत्थर बिछाया जा रहा है, दोनों तरह से सीमेंट सिर्फ लगा दे रहा है, बाकी बीच में कोई पत्थर नहीं है, पत्थर के में सीमेंट नहीं दिया है, और घटिया सीमेंट भी है और घटिया बालू भी लगाया जा रहा है, और पत्थर भी ख़त्म है, इतना पत्थर ख़त्म है कि उसको अभी हम हाथ से तोड़ दिए, वो वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद में संवेदक द्वारा जो काम किया जा रहा है आपका, वहाँ कुछ पानी भी ज़्यादा नहीं है, न पानी ज़्यादा रह पाएगा, जगह नहीं है, और आधा किलोमीटर के अंतराल में 3 चेकडैम पास हो गया है। ये 3 चेक डैम कैसे पास हो गया इसका हम जानकारी विभाग से जानना चाहेंगे, और ये लोग माननीय हेमंत सोरेन को बदनाम करना चाहते हैं, ये बदनाम हम लोग नहीं होने देंगे, इस तरह का गड़बड़ी हम लोग नहीं चलने देंगे। इस पर संवेदक पर हम चाहेंगे कि उस पर जांच कर कार्रवाई हो। अभी SDM साहब से बात हुई है, हम लोग काम बंद करवा के आए हैं, SDM साहब भी हो सकता है कल आ जाएंगे जाँच में, वो अभी मीटिंग में है, और अभी हम लोग काम बंद करके आए हैं, अगर काम चालू होगा तो फिर हम लोग आगे और कड़ाई से, और इसका DC साहब से भी हम शिकायत करेंगे, इसका मुकम्मल जांच होना चाहिए और संवेदक पर कार्रवाई होना चाहिए। आज हम लोग खिजरी पंचायत गए, निमाड़ी गांव में चेकडैम का जो निर्माण हो रहा है उसका निरीक्षण किए हैं। वहाँ बहुत ही निम्न स्तर का कार्य किया जा रहा संवेदक के द्वारा, जहाँ दोनों तरफ से सीमेंट सिर्फ चटा दिया जा रहा पत्थर में, और बीच में कहीं सीमेंट का मात्रा नहीं है, सिर्फ पत्थर को बीच में रख कर ऊपर से ढक दे रहा है, ये बहुत ही गलत किया जा रहा संवेदक के द्वारा। हम अभी SDM साहब से भी बात किए हैं, हर हाल पहले तो काम बंद कर दिया गया है, और इसमें संवेदक पर जांच कर FIR करे और उसका जो भी लाइसेंस हो तत्काल रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे संवेदक जो सरकार को बदनाम करने का साजिश कर रहा है उस पर FIR होना बहुत ज़रूरी है। और स्थल पर योजना बोर्ड भी नहीं लगा है, उसका प्राकृतिक राशि भी नहीं पता है, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं संवेदक का और विभाग का मिलीभगत है।